आज के रुझान है जो कुछ समय बाद रिजल्ट्स में भी बदलेंगे वो निश्चित रूप से खुश करने लायक हैं। जब आप मेहनत करते हैं और उसका परिणाम अच्छा आता है तो निश्चित रूप से आपको खुशी होती है जी। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने जी तो लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उसके बाद से लगातार लोकतंत्र के अंदर जब जनमत होता है, चुनाव होते हैं जो बार बार टेस्ट होते हैं जी, अब जब जब भी चुनाव होते हैं तो जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति अब लोगों में विश्वास बना है, उम्मीदों से विश्वास पे आया है और के लोगों को लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, जिस तरह से उन्होंने पिछले करीब करीब 4 वर्षों में अपनी नीतियों को गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित उस वर्ग को लेकर जिस तरह से काम किया और विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक विशेष रूप से मंत्रालय बनाया, केंद्रीय मंत्रियों को ये कहा गया कि वो हर महीने एक राज्य का जरूर दौरा करें, वहाँ पर रुकें जिससे कि वहाँ के लोगों की समस्याएं को सुलझाया जा सके, ध्यान में आ सके। और जो राज्य सरकारें वहाँ पर चल रही थी, जिस तरह से वहाँ पर गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उनके प्रति जो रोष था वो भारतीय जनता पार्टी ने एक अल्टरनेट विपक्ष पार्टी के रूप में जाकर जिस तरह से वहाँ पर काम किया, आज उसका परिणाम सामने नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के कुशल संगठन के नेतृत्व में, और जो प्रदेश के जो हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से वहां पर लगे और वहां की जो जनता ने जिस तरह से विश्वास जिताया, ये बहुत बड़ी जीत की तरफ पार्टी जा रही है।